कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फली आपके यहाँ पर रजनीश शास्त्री बुक रियल पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही स्टूडेंट पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका, और आपको इस पेपर को फेक पेपर नहीं समझना क्योंकि आपका फेक पेपर नहीं है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा PDF हमारे पास आ चुका है, और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो 80 में 80 मार्क्स लाएंगे, और साथ ही आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर में बिल्कुल यही पेपर धरा मिलेगा, ठीक है, इसकी गारंटी हम आपको दे सकते हैं, बिल्कुल आपको पेपर में यही पेपर धरा मिलेगा, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है। पूर्णांक 80 नंबर का पेपर है, आप 80 में 80 नंबर लाएंगे सिर्फ इस पेपर को याद करने के बाद। और यहाँ पर देख ली 83/25/2023 7 कक्षा 12वीं, समय आपका 3 घंटे रहेगा, कुल प्रेजेंट संख्या आपकी 23 रहने वाली है, तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से जो आपको पेपर बोर्ड देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, और साथ ही आपको अच्छी तरह से पूरा पेपर याद कर लेना, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हाईलाइट कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहले तो आते हैं आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ, तो आपका आता 1988, बाता 1991, और साता 1992, और दाता 1993। तो यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 1991। तो आपको यहाँ पर ध्यान से और अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर देना, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट तो आपको यहीं पर रट लेने, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपका आता फ्रांस, और बाता आपका इंग्लैंड, और साता सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत रूस, और दाता जापान। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर साफ हो जाएगा सोवियत रूस, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है द्वितीय ध्रुवता की उदय का कारण था, तो आपका आता दो महाशक्तियों का उदय, बाता परमाणु हथियारों की दौड़, और साथ बड़ी शक्तियों की कम संख्या, और दाता उपयुक्त सभी। तो जो आपका तीसरा दिया द्वितीय ध्रुवता की उदय का कारण था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा क्या, इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा दो महाशक्तियों का उदय, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ ही हम आपको फिर से बता देते हैं, ये आपका रियल पेपर है, पेपर मत समझना क्योंकि पूरा हम आपके लिए रियल पेपर लेके आ चुके हैं, जब भी आप पेपर देने जाएंगे पेपर में आपको यही पेपर धरा मिलेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर चौथा आता यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो आपका था डॉलर, और बाता गिल्टर, और साता मार्क, और दाता यूरो, तो यहाँ पर यूरोपीय संघ की मुद्रा, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा यूरो, ठीक है। अब चलिए आपको यहाँ पर देख लेते 5वां, खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन द्वारा, भारत, डेनमार्क या बेल्जियम, तो यहाँ पर खुले द्वार की नीति अपनाई गई, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा चीन, ठीक है, यहाँ पर चीन जो चीन है उसने, ठीक है, उसी ने यहाँ पर खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 6वां, तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए यूरोपियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1992, ठीक है, 6वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो 6 नंबर के थे, और आपने अच्छी तरह से याद भी कर ली होंगी, और आपको अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है। फिर आपके यहाँ आते हैं रिक्त स्थायी पूर्ति की 6 नंबर की आपके यहाँ पर आते हैं, ध्यान से देखना, पहला आता साप्ताह पर डॉट डॉट दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, तो पहले का आंसर रहेगा आपका 11 अप्रैल, ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1993 हो जाएगा आपका पहले का आंसर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए साप्ताह पर 11 अप्रैल 1993 दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, तो आपका पहले का आंसर रहेगा 11 अप्रैल 1993, तो अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा था भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता डॉट डॉट हुआ, तो यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1971, ठीक है, 1971 में हुआ, तो आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा 1971 में, ठीक है, आपका रहेगा दूसरे रेगिस्तान का आंसर। तो देख लीजिए आप तीसरे रेगिस्तान आपके यहाँ पर सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या डॉट डॉट है, तो आपके यहाँ पर सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है, ठीक है, तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा 8। तो अच्छे से आप यहाँ पर याद कर लीजिए, पूरा पेपर आपको रट के जाना, ठीक है। चौथा आपका था सिक्किम में अलग राज्य बना, तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर सिक्किम है वो आपका 15 मई, ठीक है, 15 मई आपका इसका आंसर है 15 मई 1975, ठीक है, 15 मई 1975 में यहाँ पर सिक्किम राज्य, ठीक है, सिक्किम अलग राज्य बना, ठीक है, 15 मई 1975 हो जाएगा आपका 5वीं का आंसर। आप देख लेते हैं आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हमने करा दिया, 5वां आता है स्वतंत्रता के बाद भारत की 5वें प्रधानमंत्री डॉट डॉट थे, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारत की 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह थे, तो आपका 5वीं का आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अब 6वां देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को डॉट डॉट कहा जाता है, तो यहाँ पर देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को बाह विलय पद्धति कहा जाता है, ठीक है, बाह विलय पद्धति। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते सत असत, सत असत का चयन की 6 नंबर की आपके यहाँ पर आते हैं, पहला तो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा सत्य, पहला आपका सत्य रहेगा, और श्वेत क्रांति के समय
संबंध मछली उत्पादन से है, तो दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला ठीक है असत्य, दूसरा आपका असत्य रहेगा। और तीसरा था नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। और भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं, पहला आपका सत्य रहेगा और दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा भी असत्य रहेगा, चौथा भी आपका असत्य रहेगा, पाँचवा भी आपका असत्य रहने वाला, छठवां आपका सत्य रहेगा ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाई 7 नंबर की आती है, कुलम अवाम में आपके यहाँ पर दी गई सही जोड़ी ठीक है। तो जो आपके यहाँ पहली आती है, पहले आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, पहले आती है आपकी मेक मोहर रेखा, तो मेक मोहर रेखा आपकी हो जाएगी भारत और चीन से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है आसियान का मुख्यालय, तो इसे आपको जाकार्ता से मैच करनी है। और जो तीसरी आती है आसियान की स्थापना, तो आसियान की स्थापना आपके यहाँ पर अगस्त 1967 से मैच कर देना है। और जो आपकी चौथी आती है 18वां दक्षिण सम्मेलन, तो इसे आपको नेपाल से मैच करना है ठीक है। जो चौथी है वो आपको यहाँ पर नेपाल से मैच कर देनी है। और पांचवी आती कारगिल युद्ध, तो यहाँ पर कारगिल युद्ध 1999 में ठीक है 1999 में हुआ था, तो आपको यहाँ पर कारगिल युद्ध को 1999 से मैच कर देना है। छठवीं आती राजीव जयवर्धन समझौता, तो छठवीं मैच करनी है आपको 29 जुलाई ठीक है, आप यहाँ पर देख ली 29 जुलाई 1987 से। और जो सातवां आता है मुक्त व्यापार संधि, तो सातवीं मैच करनी है आपको यहाँ पर व्यापार को अधिक उदार बनाना है। तो इस तरह से आपकी सहयोगी बुक कंप्लीट हो जाती है, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हमने आपकी 7 नंबर की बेस्ट सॉल्यूशन सहित सहयोगी करा दी है। और पूरा पेपर आपको रट के जाना पेपर देने से पहले ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक बात मोहत्तर लिखी 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है नियोजन की परिभाषा लिखी ठीक है, जो आपका पहले का आंसर आपको खुद कर लेना, जिसको भी बताओ वो कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। दूसरा था प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो इसका आप दूसरे का आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपके यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर ठीक है। आपको यहाँ पर हमने बता दिया जवाहरलाल नेहरू आपका दूसरे का आंसर रहेगा ठीक है। आप यहाँ पर सुन लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा था नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा प्रधानमंत्री ठीक है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर चौथा आता योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो जो आपके यहाँ पर योजना आयोग का गठन हुआ वो 15 मार्च ठीक है, 15 मार्च 1950 ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। जो आपका योजना आयोग का गठन हुआ वो आपका 15 मार्च 1950 को हुआ ठीक है। अब देख लेते हैं विदेश नीति क्या, तो सुन लीजिए, किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया सिद्धांत ठीक है, यही आपके यहाँ पर विदेश नीति ठीक है। मैं आपको छह बता, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 18 मई ठीक है, 18 मई 1974 ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर ठीक है। ये आपका छठवें का आंसर है 18 मई 1974 ये आपका यहाँ पर रहेगा छठवें का आंसर। सातवां था शिमला समझौता कब हुआ था, तो जो आपके यहाँ पर शिमला समझौता हुआ था वो आपका यहाँ पर 2 जुलाई ठीक है, 2 जुलाई 1972 ये आपका रहेगा यहाँ पर सातवें का आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक सत्र बाकी मोहत्तर कंप्लीट। अब चलिए हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर करा दिए, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 आता है जो कि आपके यहाँ पर आते अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते 2 अंक वाले, तो आपका प्रश्न 6 आता सोवियत प्रणाली की 2 दोष लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन आता 2 ध्रुवता का अर्थ लिखिए, अथवा था 2 ध्रुवता के उदय की क्या कारण लिखिए ठीक है। चलिए आपको स्क्रीन शॉट लेते चलना। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता सार्क संगठन की स्थापना कब कहाँ हुई, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता शिमला समझौता कब कहाँ हुआ था, और इसका अथवा था भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन भारत श्रीलंका ठीक है मतभेद के कारण लिखिए, फिर इसका आपका अथवा था श्रीलंका की जाति संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या लिखिए, और इसका अथवा था तो अथवा देख लीजिए ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी लिखिए, फिर इसका आता है विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य लिखिए ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कहाँ हुई थी, इसका अथवा था जय जवान जय किसान का नारा किसने कब दिया था ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले जाइए। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए व उनका गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था, फिर इसका अथवा था अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 17वां क्वेश्चन भारत आसियान संबंधों की व्याख्या कीजिए, अथवा था यूरोपीय संख्या समझाकर लिखिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को लिखिए, इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए। जल्दी से आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेते चलना, पूरा पेपर आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले रट लेना ठीक है। 19वां क्वेश्चन आता तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आते द्विगुत्ती प्रश्न आता जो कि आपका 20वां क्वेश्चन आता है, ये आपके चयन वाले क्वेश्चन रहेंगे ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ,
फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी शरणार्थी समस्या और बिलाय पत्र पर। फिर आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन आता है पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या कीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन आता है 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का। और साथ ही आपको फिर से बता दें पूरा आपको हमने रियल पेपर कराया और ये आपका रियल पेपर है 101% आपका रियल पेपर, ठीक है। और जो इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पूरी पेपर की सॉल्यूशन से। टिकन बाय बाय।